नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से अपने सफल कप्तानी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, उसी तरह से चंद्रकांत पंडित अपने सफल कोचिंग के लिए पूरे भारत में चर्चित व्यक्ति हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश को उसका पहला रणजी ट्रॉफी दिलाया। चंद्रकांत पंडित घरेलू क्रिकेट के जाने माने कोच हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा मुंबई और विदर्भ को भी जीत दिलाई है। इसी का फल उन्हें अब मिला है। 60 वर्ष के चंद्रकांत पंडित को अब आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ऐसा पहली बार हुआ जब वो टॉप लेवल क्रिकेट के कोच होंगे। इसके पहले वो रणजी में ही बतौर कोच नजर आते थे। वो भारत के लिए भी 90 के दशक में खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 5 टेस्ट और 36 वनडे मैच में मैदान पर उतरे थे। वो भारत की तरफ से एक विकेट कीपर बल्लेबाज हुआ करते थे। कोच के रूप में नियुक्त किए जाने पर नाइट राइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा है कि हम बहुत उत्साहित हैं कि चंद्रकांत पंडित हमारी यात्रा के अगले चरण में हमारा नेतृत्व करने के लिए नाइट राइडर्स परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह जो करते हैं उसके प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और घरेलू क्रिकेट में सफलता का उनका रिकॉर्ड सभी के सामने है। हम अपने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ उनकी अच्छी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच चंद्रकांत पंडित ने कहा कि मैंने नाइट राइडर्स से जुड़े रहे खिलाड़ियों और अन्य लोगों से यहाँ की पारिवारिक संस्कृति और सफलता की परंपरा के बारे में सुना है। मैं सहयोगी कर्मचारियों और टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों के स्तर को लेकर उत्साहित हूँ और मैं पूरी विनम्रता तथा सकारात्मक उम्मीदों के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रकांत पंडित अब ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे, जो कि अब इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के कोच हैं। तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।